हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों के सामने खड़ी हुई दोस्तों बगमैन स्ट्रीट, जो कि नया E20 फ्यूल वाला जो वेरिएंट है वो हमारे यहाँ आ चुका है। अब भाई इसमें E20 की ब्रांडिंग कहाँ लगी है आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। इसकी जो ब्रांडिंग है ना, यहाँ पे लगी हुई है। यू कैन सी, आपको यहाँ पे E20 की ब्रांडिंग देखने को मिल रही है। ऐसे बाहर से आपको समझ में नहीं आएगा, कंपनी ने यहाँ पे अंदर E20 का ब्रांडिंग जो है इस व्हीकल में दिया हुआ है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस व्हीकल का कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं। क्या स्पेसिफिकेशन आती है, क्या बजट में आप इसे खरीद सकते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं। सो आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सकें एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में, आपको ये क्या प्राइस देखने को मिलती है। अब ऑब्वियसली बात है यार, कोई भी चीज़ खरीदने वाले हैं, खरीदने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले तो अपने बजट के बारे में सोचते हैं कि जेब में पैसा कितना, जितना हमारे पास बजट होता है, जितना हमारे पास पैसा होता है उसके हिसाब से हम किसी चीज़ को डिसाइड करते हैं। अगर दोस्तों इसके प्राइस के बारे में बात कर ले तो ये एक्सरूम प्राइस अराउंड 99,000 रुपये के आसपास की जो है एक्सरूम प्राइस देखने को मिलती है। बात कर लें इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में तो मैं आपको क्लियर कर दूं, हर एक स्टेट एंड सिटी में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्योंकि हर एक स्टेट के आरटीओ एंड इंश्योरेंस चार्जेस में फ़र्क होता है। ये व्हीकल हमारे यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में अराउंड 1,15,000 रुपये के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिलती है। बाकी आप लोगों को सिटी एंड स्टेट में इसका क्या ऑन रोड प्राइस अगर आपको पता हो तो प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए रिव्यू में आते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसका फ्रंट देख लीजिए, फ्रंट आपको इसका काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। बात करें फ्रंट लाइट के बारे में तो देख पा रहे हैं इसमें आप लोगों को सबसे पहले LED जो DRL लाइट है वो आपको इसमें देखने को मिलती है, काफ़ी अच्छी लगती है। मेन लाइट पे बाइक में आपको फुली LED सेटअप में जो लाइट है वो आपको इसमें देखने को मिल जाता है। देख पा रहे हैं काफ़ी प्रीमियम लाइट कंपनी ने इसमें दी हुई है और अभी से बात है दोस्तों काफ़ी अच्छी लाइट कंपनी ने प्रोवाइड की हुई है। एक्चुअली बाइक क्या है यहाँ पर वॉश होकर आई होगी इसलिए ये जो है झिल्ली में इसमें पानी जम गया है। तो ये दोस्तों इसकी लाइट जो आपको काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी अच्छी मिल रही है। ठीक है, टर्न सिग्नल आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो कि बल्ब है और काफ़ी अच्छे लगते हैं। ठीक है, बात कर ले फ्रंट सस्पेंशन के बारे में। सबसे पहले मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। फ्रंट सस्पेंशन में आपको इसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन इसमें देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी अच्छे सस्पेंशन है। फ्रंट में आपको इसमें 90-90 की जो टायर साइज़ है वो आपको देखने को मिलती है। बात कर ले ब्रेकिंग के बारे में तो ब्रेकिंग में दोस्तों देख पा रहे हैं आप लोगों को इसमें फ्रंट में जो है डिस्क देखने को मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, 125 सेगमेंट की बाइक है, एक मोपेड व्हीकल है बट कंपनी इसमें डिस्क दी हुई है। एंड अगर बात कर ले फ्रंट ब्रेक ब्रेक के बारे में तो इसमें आपको अराउंड मुझे ऐसा लग रहा है देख के कि ये 200 mm के आसपास का डिस्क प्लेट आपको इसका देखने को मिलता होगा, उतना ही होगा, उससे ज़्यादा बड़ा डिस्क प्लेट तो यहाँ पर आपको नहीं मिलता होगा। देख पा रहे काफ़ी अच्छी जो डिस्क प्लेट है वो कंपनी यहाँ पर यूज़ की, ब्रेकिंग आपको इसमें काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। चलिए अब आ जाते हैं दोस्तों रियर की तरफ। रियर में सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। इंजन टाइप में इसमें आपको 124cc का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर जो इंजन है वो आपको इसमें देखने को मिल जाता है। बात करें पावर एंड टॉर्क के बारे में, मैक्सिमम पावर में इसमें आपको 8.7 के आसपास की PS पावर आती है एंड 10 के आसपास का जो इंटरमीटेंट टॉर्क है वो आपको इसमें देखने को मिलता है। मतलब सुजुकी 125 पर इसमें आपको सेम पावर देखने को मिलती है क्योंकि एक्चुअल में दोनों में सेम इंजन जो है वो यूज़ किया गया, इंजन में कोई फ़र्क नहीं है। कूलिंग सिस्टम में एयर कूल्ड इंजन मिलता है, फ्यूल सिस्टम में FI देखने को मिल जाता है। 1 नंबर ऑफ सिलेंडर के साथ में इसे डिज़ाइन किया गया है। इस व्हीकल में आपकी बोर साइज़ 52 mm की है, स्ट्रोक साइज़ 57 mm के आसपास की मिलती है। SOSC 2-valve इंजन होता है, साथ में आपको पता है इसमें गियर नहीं आते क्योंकि एक ऑटोमेटिक व्हीकल आपको देखने को मिल जा रही है। ठीक है दोस्तों, ये था इस बाइक का कंप्लीट इंजन स्पेसिफिकेशन। जैसे आप लोगों ने देखा कि इसमें आपको काफ़ी अच्छा सा जो इंजन है वो आपको देखने को मिल जा रहा है। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों अब इस बाइक के माइलेज प्लस परफॉर्मेंस के बारे में। आपको बताना चाहूँगा माइलेज में ये व्हीकल आपको अराउंड 50 के आसपास का जो माइलेज है इजीली निकाल कर दे देती है। 0-60 में इसको लगभग 10 सेकंड लगते हैं। टॉप स्पीड अराउंड 95 km/h के आसपास की टॉप स्पीड जो आपको इसकी मिल जाएगी। अब आ जाते हैं रियर की तरफ। सबसे पहले देख पा रहे हैं यहाँ पे बगमैन की ब्रांडिंग मिलती है। स्ट्रीट लाइट कनेक्ट का मतलब होता है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। ये इसका एग्जॉस्ट है जो कि आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है।
प्लस आपको बताना चाहूँगा इसका जो एग्जॉस्ट नोट है वो भी काफ़ी प्रीमियम है। टेल लाइट की बारे में बात करें तो देख पा रहे हैं टेल लाइट जो आपको रियर की काफ़ी अच्छी LED टेल लाइट इसमें मिल जाती है। उसके बाद आते हैं दोस्तों इसके अब स्पेस में और पॉकेट्स में, ठीक है। सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको इसमें एक पॉकेट मिलेगा जिसमें आप इजीली अपना फ़ोन रख सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक काफ़ी अच्छा स्पेस मिलेगा और एक्चुअल में फ़ोन के लिए यही है क्योंकि यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं चार्जिंग पॉइंट का ऑप्शन दिया गया है, तो फ़ोन आप इजीली यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। ये इसका एक आपको देखने को मिल रहा है कैरी हुक। उसके बाद दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ पर भी आप लोगों को एक कैरी हुक जो है इसमें देखने को मिल जाता है। ये आपका फ्रंट का स्पेस है, ये भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। सीट के अंदर का स्पेस भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यू कैन सी यहाँ पे सीट के अंदर जो स्टोरेज है ये भी आपको इसमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। काफ़ी बड़ा जो स्पेस है वो भी दिया गया है सुजुकी की तरफ से। काफ़ी सारा जो सामान है आप इसमें कैरी कर सकते हैं। ये फ्यूल है फ्यूल कैप, यहाँ पर आपको E20 की ब्रांडिंग मिल जाती है। चलिए बात करते हैं अब इसके स्पीडोमीटर के बारे में। सबसे पहले आप इसकी की देख लीजिए, कुछ इस टाइप की आपको इसमें मिलेगी। स्पीडोमीटर में दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बाइक में काफ़ी सारे फीचर मिलेंगे, ठीक है। देख पा रहे हैं फुली डिजिटल मीटर आपको इसमें देखने को मिल जाता है जिसमें आपको वही सेम मिलेगा जो एक्सेस में भी मिलता है आई थिंक। यहाँ पर देख पा रहे हैं सबसे पहले इसका क्लॉक है, यहाँ पर फ्यूल इंडिकेटर है, यहाँ पर ये फ्यूल इंडिकेटर है, ये शायद RPM का होगा या फिर टेम्परेचर का भी हो सकता है। ये इसका स्पीडोमीटर है, यहाँ पर दो स्विचेस दिए हैं जैसे कि और क्या क्या चीज़ें हैं, ये देखिए ट्रिप 1 ट्रिप 2 एवरेज कितना दे रही है, ठीक है। और ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आपको इसमें मिलेगा। स्विचेस में पास सीज लोबिम हैबिम टनल सिंगल लैप इंजन किल सीज सेल्फ खसीज आपको इसमें मिल जाता है। बात कर ले इसके डिपेंडेंसन एंड कैपेसिटी के बारे में दोस्तों, इसकी जो सीट हाइट है ना वो है अराउंड सीट हाइट है इसकी 780 mm, मतलब आपकी हार्ड ऑन अगर 5.2 से ऊपर तब कंफर्टेबल हाइट कर सकते हो। कर्बेट 110 kg का, फिल्टिंग कैपेसिटी 5.5 लीटर के आसपास की देखने को मिल जाती है। सो तो दोस्तों ब्रांड न्यू सुजुकी स्ट्रीट बगमैन का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन रिव्यू। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।